नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार डिजिट। जनपद हाथरस में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा और नगर पालिका की टीम ने अवैध कब्जों को कराया मुक्त। पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर अवैध तरीके से कब्जों को बुलडोजर से तोड़वाया। काफी सालों से सड़कों पर अवैध तरीके से बनाकर कर रहे थे कब्जा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने पुलिस बल के साथ अवैध दुकानें तोड़वाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में मचा हड़कंप। कोतवाली सदर इलाके के मथुरा बरेली राजमार्ग मधुगढ़ी का मामला। समाचार डिजाइट के लिए हाथरस से हबीब खान की रिपोर्ट। मोहम्मद मंसूर अहमद, ये काय की दुकान थी आपकी, क्या चला रहे थे इसमें? चौधरी प्रोविजन स्टोर, चौधरी प्रोविजन अंडे का थोका काम था हमारा। अच्छा, तो आज क्या कारण हुआ जो नगर पालिका द्वारा तोड़ी गई है दुकान? कोई कारण कोई हमारे पास नोटिस नहीं, कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। ये बस हम तो 2017 में हमने तो रिन्यू कराया, हम तो किराया भी देने को तैयार थे, हर चीज़ किराया भी नहीं ले रहे। साल का पट्टा बाकी बचा आपका? अभी तो पट्टा हमारा बहुत लंबा बाकी था, 10 साल का पट्टा था अभी हमारा बाकी इसमें। कि सुनने में आया आपने जो पट्टा था आपकी दुकान में, आपने इसके दुकान के और दुकान दूसरा गेट भी निकालना चाह रहे थे आप? कोई गेट नहीं निकाला हमने, जो भी काम कराया नगर पालिका से अनुमति लेके कराया, अनुमति और नगर पालिका के आदेश का पालन करा हमने हमेशा। आपने इगलास रोड चौराहे पर से जो कब्जा हटवाया, सर क्या मामला है उनका? सर देखिए, नगर पालिका द्वारा सूचित किया गया कि नगर पालिका की एक संपत्ति थी जिसका अवैध रूप से कब्जा है। मेरे ख्याल में 2017 से ये अवैध कब्जा है और उनके द्वारा बताया गया कि इनको कई बार नोटिस भी दे दिया गया है और जो विधिक प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बावजूद भी अवैध कब्जा नहीं हटा रहे हैं। तो इसी क्रम में इनको फिर से एक बार नोटिस देते हुए आज नगर पालिका की टीम द्वारा यह है अवैध कब्जा हटाया गया है और पुलिस और प्रशासन द्वारा सहयोग कर कानून व्यवस्था में अपना सहयोग। Thank you.